अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं हूँ सबा अंसारी और आप देख रहे हैं मसीहा टीवी न्यूज। मसीहा टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आज की ताजा खबर। हमारा मकसद है कि हेल्थ जो हर इंसान की एक बेसिक जरूरत है, ये हेल्थ सब तक पहुंचे और हर इंसान को ट्रीटमेंट मिले। ट्रीटमेंट का मतलब ये होता है कि बहुत पैसा खर्चा होता है बहुत सारी बीमारियों में, और हमारा मकसद ये है कि जो गवर्नमेंट की स्कीम चल रही है, गवर्नमेंट हम जो ज़रूरतमंद लोग हैं उन तक ये स्कीम को पहुंचाए। ये कैंप लगाने का हमारा खास मकसद ये था कि हम कैंप लगाए, हम लोगों को उनके घर से बाहर निकाले और हर फैकल्टी के हर फील्ड के यहाँ पर मेडिकल डॉक्टर्स आए हुए हैं और वो डॉक्टर उनकी स्क्रीनिंग करेंगे। अगर वो कैंसर पेशेंट है तो उसका कैंसर का इलाज कराएंगे, या अगर उनको कोई दूसरी बीमारी है जैसे कि हार्ट की बीमारी है, एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी या बाईपास, सब हम लोग फ्री करके देंगे। हमारा मकसद था लोगों को घर से बाहर निकालना और उनके हेल्थ पे ध्यान देना। चुनाव से पहले ही क्या ये मकसद आपका था? देखिए, चुनाव आने वाला है, कब आने वाला है उसकी कोई डेट और तारीख नहीं है, मगर मैं आपको बताता चलूँ कि आप मेरे बारे में पूछ सकते हैं ग्लोबल हॉस्पिटल में जाके कि मेरी क्या बिल होती है। वहाँ पे मेरी झोपड़ी टाइप का चलता है, वहाँ पे मीना मेडिकल पे मेरी बिल आप जाके पूछ सकते हो कि कितनी होती है। कोई भी पेशेंट हमारे पास आता है, हम उनको नोबल हॉस्पिटल रिफ़र करते हैं, अपने हॉस्पिटल बहुत सारे हॉस्पिटल रिफ़र करते हैं, वहाँ मैं 1,50,000 रुपये बिल भरता हूँ। वो चुनाव का मामला नहीं है। और दूसरा, हमें कंटिन्यू आयुष्मान भारत पे, ज्योतिबा फुले आरोग्य पे योजना पे मेरा काम चल रहा है, कंटिन्यू ये काम चल रहा है। अभी कैंप लगाने का मकसद ये था कि लोग घर से बाहर निकले, कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा उस पर काम करूँ और उनको ज़्यादा से ज़्यादा मुंबई थाने जहाँ पे उनका अच्छा ट्रीटमेंट हो सके उनको वहाँ रिफर करें। विशाल तिलक सर, आप क्या चीज़ का आप यहाँ पे चेकअप कर रहे हैं? यहाँ पे चेकअप हो रहा है कैल्शियम का, जो बोन डेंसिटी BMD करके उसको बोलते हैं। तो जैसे बुढ़ेपन आ जाता है वैसे ही हड्डी में कमजोरी आता है, उसका चेकअप के बारे में है ये BMD करके। सर, अभी तक आपने कितना चेकअप किया है? अभी तक 75 चेकअप हुआ है। वेरी गुड सर। हाँ सर, आपका शुभ नाम? शुभ नाम डॉक्टर धर्मेंद्र यादव। सर, आप यहाँ पे क्या चेकअप कर रहे हैं? वैसे जनरल चेकअप। सर, अभी तक आपने कितने लोगों को किया है? मैं कम से कम 45 लोगों का कर रहा हूँ। 45। ओके सर, थैंक यू। आपका नाम? मेरा नाम आयशा सिद्दीक है। जी जी, आप क्या चेकअप कर रही हैं मैडम? मैं कोल्ड है, कफ, फीवर, लोगों का चेक कर रही हूं, बच्चे का। आपकी डिग्री क्या है? मेरी डिग्री BOMS। जी, कितने चेकअप किया अभी तक आपने? अभी तक मैंने 70 रेटिव लोगों का चेकअप कर लिया है। ओके, शुक्रिया।